Good morning to all the viewers. This is Dhruv, your health coach, and welcome back to another video with Reboot with Nature. आज की वीडियो में आपको कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे हम फेनेग्रिक सीड्स के और ये कैसे आपको मदद करेंगे आपकी हेयर ग्रोथ में डैंड्रफ के लिए और हेयर से रिलेटेड और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए. वैसे तो मेथी दाना मेरा पर्सनल फेवरेट है, बट एक ज़माने में मेथी दाना मेरा पर्सनल फेवरेट नहीं हुआ करता था. मैंने वॉज अ किड, जब मैं छोटा था तो घर पे जब भी कड़ी बनती थी तो मेथी दाना मैं उसमें से अलग निकालती थी क्योंकि उसका एक बिटर टेस्ट होता था. बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, एज के साथ साथ मुझे समझ में आने लगा कि इस हर्ब की क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं हमारी सेहत के लिए, तो मैंने उसको अडाप्ट करना स्टार्ट कर दिया, उस टेस्ट को मैंने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया. और ऐसे ही मैं एडवोकेट करता हूँ, समझाता हूँ सारे अपने क्लाइंट्स को कि अपने बच्चों को, और अगर आप घर में मेथी दाने का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे कि मेथी दाने का पाउडर यूज़ कर सकते हैं या उसका पेस्ट बना के उसको अपने खाने में ऐड कर सकते हैं. बट अपने खाने में मेथी दाने को ज़रूर ऐड करें क्योंकि उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ऐसी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इस हर्ब की कि ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है. तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर सकते हैं आप मेथी दाना के साथ, जो आपके घर में आपके किचन में कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा, उसको आप किस तरीके से अपने बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जी हाँ, मेथी दाना आप अपने बालों के लिए, बालों की स्ट्रेंथ के लिए, अगर आपको डैंड्रफ हो रहा हो, अगर आपके बाल झड़ रहे हों, या आपके फॉलिकल्स में कोई प्रॉब्लम हो, या आपके फॉलिकल्स वीक हो रहे हों, या आपको ऐसा महसूस होने लग गया हो कि आपके बालों में जो स्ट्रेंथ थी वो कम होती जा रही है या ख़त्म हो चुकी है और उसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगे हैं, तो आप मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसकी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि अगर आप मेथी दाने को सोक करके उसमें पानी ऐड करके और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला के उसका एक हल्का सा घोल बना के अपने बालों में अप्लाई कर लें तो वो आपकी हेयर स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, स्पेशली वेट जो आपका हेयर लॉस है, हेयर लॉस की सिचुएशन में आप इस तरीके का एक घोल बना लें, एक मिक्सचर बना लें जिसमें मैंने आपको बताया कि सोक्ड मेथी दाना, साथ में थोड़ा सा पानी और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस, इसका घोल बना के अपने बालों में अप्लाई कर लें. 10 से 15 मिनट इसको आप डे टू डे लाइफ में, मतलब एवरी सेकेंड डे या एवरी डे, हफ्ते में 7 दिन आप इसका इस्तेमाल करें और 8वें दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके बालों में एक तो सिल्की हो जाएंगे आपके बाल, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी आपके बालों की, घने होने लग जाएंगे आपके बाल और जो हेयर फॉल हो रहा था वो भी कम हो जाएगा. और ना ही सिर्फ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, उसके साथ साथ ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर प्रोडक्ट है. अगर आप अपना सर खुजा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और अपने स्कैल्प को इच कर करके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्या होता है कि डैंड्रफ की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो उनके बालों में से फ्लेक्स झड़ते रहते हैं सुबह से शाम तक. क्यों? क्योंकि वो अपने हेड को मॉइस्ट नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी मॉइस्चराइज नहीं होता है हेड, उस रीज़न से बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस हो जाती है और डैंड्रफ बार बार ग्रो करने लग जाता है बालों में. और मेथी दाने के कुछ ऐसे बेनिफिट्स लाइक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं डैंड्रफ की सिचुएशन में. अगर आपको ज़्यादा खारिश हो रही है या ज़्यादा खुजली होने लग गई है अपने बालों में, अपनी स्कैल्प में, तो आप मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको इस्तेमाल करने के वैसे तो दो तरीके हैं, आप एक इंटरनली भी अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एक्सटर्नली भी इसका पेस्ट बना के इस्तेमाल कर सकते हैं. तो क्या तरीके हैं? बेसिकली अगर आपको इसको पीना है तो ये आपको इंटरनली नरिश करेगा, और एक पेस्ट बनाने का तरीका है जो आपको एक्सटर्नली नरिश करेगा. इंटरनली नरिश करने के लिए अपनी बॉडी को आप मेथी दाने को ओवरनाइट सोक करेंगे और सुबह सुबह उसको सीव करके उसका पानी पी लेंगे. तो मेथी दाने का जो ओवरनाइट सोक्ड और सीव्ड जो बचा हुआ पानी है उसके अंदर, जिस पानी के अंदर आपने मेथी दाने को इन्फ्यूज़ किया है, उस पानी का सेवन करने से आप इंटरनली अपनी बॉडी को नरिश करेंगे मेथी दाने के बेनिफिट्स के साथ. और अगर आपको इसको और दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना है और डैंड्रफ से बहुत जल्दी निजात पाना है और बहुत क्विक रिलीफ चाहिए, तो आप इसका एक पेस्ट बना सकते हैं. उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप मेथी दाना लेंगे एक कटोरी में और उसके साथ थोड़ा सा योगर्ट यानी दही, दही और मेथी दाने को आप उस मिक्स कर लेंगे एक ग्राइंडर में या मिक्सर में, जिससे आप इसका एक पेस्ट बना लेंगे और उस पेस्ट को आप अपने स्कैल्प में अप्लाई करेंगे, जिसे आप अप्लाई करने के बाद
आधे से एक घंटे तक अपने सर पे रखेंगे, जिससे कि जो भी आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं आपके स्कैल्प में, उनको क्योर करने के लिए वो अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। और आधे से एक घंटे बाद उसको रखने के बाद अपने सर पे आप उसको वॉश कर लें प्रॉपर तरीके से। इससे आपको डैंड्रफ से बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से आराम मिल जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे या आपके दिमाग में एक बार तो ख्याल आया होगा कि मेथी दाने के साथ मैंने दही को अप्लाई करने के लिए क्यों बोला। दही मिलाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दही खुद में भी एक बहुत ही बड़ा एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है, और उसके साथ साथ इट इज़ पैक्ड विद अ लॉट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो फैटी ऑयल्स होते हैं उसके साथ अगर आप दही का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसके बहुत ही ज़्यादा रिच फैटी एसिड्स हैं, वो भी आपकी स्कैल्प को, आपके बालों को नरिश करेगा और हेल्प करेगा। जो आप कहते हैं ना कि लहरते हुए घने बाल, वैसी आपको बाल मिलेंगे अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो। सो आई हैव ग्रोन इन अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, और मेरी एक बड़ी बहन है, और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और सुनता आ रहा हूँ। जब भी कुछ बालों से लेकर कुछ बात होती थी तो वो कहती थी कि देख मेरे कितने सिल्की बाल हैं, कितने घने बाल हैं, कितने लंबे बाल हैं, और कितने, मतलब हमेशा एक महिला को अगर आप देखेंगे, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी माता हो, आपकी वाइफ हो, आप जब भी उनसे बात करेंगे बालों से लेके, तो वो अपने बालों की कंडीशनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो हफ्ते में 2 से 3 बार या एटलीस्ट 2 बार अपने बालों को प्रॉपर तरीके से शैम्पू करके कंडीशन कर लें। या कुछ महिलाओं को देखा, वो मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में लगाने के लिए कि मेरे बाल अच्छे रहेंगे, हेल्थ रहेगी बालों की, बालों को स्ट्रेंथ मिलती रहेगी। कुछ आपने महिलाओं को देखा, वो अपने बालों में अंडों का भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपके घर में मेथी दाने का भी इस्तेमाल होता है बालों में लगाने के लिए, तो उससे अच्छा तो और कुछ है ही नहीं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जब मेरे खुद के बाल झड़ने लग गए थे, हल्का सा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो हम पढ़ ही रहे थे उस टाइम पे, तो पढ़ते पढ़ते ही मैंने देखा कि मेथी दाने का ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन करके मेथी दाने का उपयोग कर सकते हैं अपने बालों में। तो मैंने भी उस चीज़ को ट्राई किया, और जब खुद इस्तेमाल किया मैंने उस प्रोडक्ट को, तो मुझे विश्वास हो गया कि ये एक्चुअल में वर्क करता है। जी हाँ, हर इंसान को घने सिल्की बालों की बड़ी उम्मीद होती है कि यार मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँ अपने बालों के लिए कि मेरे बाल रफ ना रहें और ऐसा ना लगे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। तो अपने बालों को कंडीशन रखने के लिए हर इंसान की इच्छा होती है, और उसके लिए मेथी दाना आप अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग कैसे करेंगे आप, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपल। आप मेथी दाने को ओवरनाइट सोक करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा पानी, 1/2 कप दही, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दही में बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फैटी एसिड्स भी होते हैं, और साथ में थोड़ा सा नींबू। नींबू भी बहुत ही हाई और गुड सोर्स होता है विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स का। ये भी जब इनकॉर्पोरेट करेगा इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इन सारी चीज़ों का आप एक पेस्ट बना लेंगे, घोल बना लेंगे, और उसको आप बालों में अप्लाई करेंगे, तो ये आपके बालों की कंडीशनिंग में भी बहुत अच्छे से काम करेगा। ये कोई केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये 100% हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट बनेगा, जो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा, कोई नुकसान नहीं होगा जिसका आपको। उसके अलावा आप एक और प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मेथी दाने को ओवरनाइट सोक कर लें, और अगले दिन सुबह जब वो पूरा प्रॉपर तरीके से सोक हो गया होगा, तो उसका जो थोड़ा स्लाइमी सा और थोड़ा सा जो उसमें पानी जो आपका रहेगा, उस पानी को आप अपने बालों में लगा सकते हैं, और उसको अपने बालों में लगाने के बाद कुछ समय के लिए रखें, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ आर वीडियो, हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स करें, सो दैट आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम आपके लिए कुछ नया कंटेंट प्रिपेयर कर सकें और आपको वो कंटेंट ला के दें जो आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं।